अंदर से पोर्टल चेंज किया, बट ये जो पोर्टल है ये अभी भी यहाँ पे कनेक्ट करेगा हम लोगों को ट्रैप पोर्टल से जहाँ पर है विज़र्ड। एज़ियो आप जाओ विज़र्ड को लेकर आओ। मैं फटाक से गया, दो मिनट में गया, पांच मिनट में मैं क्या करने वाला, मैं इन पे नजर रखता हूँ बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि ये लोग यहाँ से गायब ना हो। बस भाई इन लोगों का जो भी मनसूबा है ना पूरा का पूरा यहाँ पे मेरा ब्लॉग गायब हो गया। Oh my god, please 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 नहीं देखे उन्होंने मेरे को। What bro, ये क्या सीन हुआ, मुझे ऊपर से किसने मारा? Guys ये हो गया लाले, ये लोग। Oh my god, ये सभी के सभी लोगों की शक्लें होगा लाला की तरह क्यों लग रही है मुझे? तो इसमें अभी जो क्लिप दिखाई ना उसको देखने के बाद किसी ने भी एक चीज नोटिस नहीं किया होगा कि स्मार्टी भाई को वहां से किसने धक्का दिया, और मैं एक तरीके से कह सकता हूँ 90% लोगों ने इस चीज को नोटिस किया ही नहीं होगा। सो ऑलरेडी इसमें आ चुका अपने कोल वीडियो के साथ सो गाइस फाइनली स्मार्टी भाई का हिमलैंड का न्यू वीडियो आ चुका है एपिसोड 5, और अगर तुमने नहीं देखा तो प्लीज यार एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, और जाहिर है तो लाइक भी करके आना उस वीडियो को। और आज मैं उसी वीडियो में से तुमको हिडन डिटेल्स दिखाने वाला हूँ, और ऐसी हिडन डिटेल दिखाऊँ जो इसे 90% लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना बिना स्किप कराओ। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं ये वीडियो सिर्फ तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, जो भी दिखाऊंगा सिर्फ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो स्टार्ट होने से बस तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके तो मैं तुम्हें पहले हिडन डिटेल दिखाता हूं, पर उसे देखने से पहले तुम एक वीडियो क्लिप देखो, उसके अंदर ये हिडन डिटेल जो है छुपा हुआ है। तो यहाँ नीचे कहीं पर हम लोगों ने एक पॉल चेंबर बना, देखो वहां पर एक पॉल चेंबर बनाया हुआ है। एंड चलो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर के लिए। बिल्कुल सही बात बोली अर्जुन यार कि कुछ कांड कुंड हो गया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे विश्वास तो नहीं कर सकते भाई इन लोगों के ऊपर। आजा अर्जुन, वैसे होगा क्या ही यहाँ पे यार नीचे जाके? अरे हुगा लाला उल्टा चिपका बिपका, अरे चुप करो यार अर्जुन, आप गायब हो रहे, कहाँ पे आ गया ये? अरे बाप रे बाप, नीचे के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अरे एज़ियो भाई यार, एज़ियो भी गायब हो गया ऊपर से, ये क्या सीन? एज़ियो आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे अब तो इसको मेरे को आवाज भी नहीं आ रही है। ओह भाई तुम लोगों को एक बात बताऊं, मुझे क्या लग रहा है ना, ये होगा लाला और जो किल्विश उस जेल के अंदर बंद थे, इन लोगों ने कुछ अलग ही वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बना दिया था अपने अंदर इस प्रिजन के अंदर, क्या है? अगर इस टाइप का इन, देखो ना नीचे वॉइड है कि काला है कि क्या है, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे के लिए, आसमान वैसा का वैसा ही एकदम खराब यहाँ पे यार। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये लोग फिर यहाँ से एस्केप क्यों नहीं करे भाई, अगर मैं इस वॉइड के अंदर नीचे गिरा तो क्या ही सीन हो जाएगा। अरे एज़ियो भाई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हेलो 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 यार, इसको मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या सीन है भाई ये? हमारे हिमलैंड के अंदर इतनी मायावी चीजें कैसे हो सकती है भाई, मेरे को तो समझ नहीं आता। अरे भाई प्लीज डोंट टेल मी कि मैं यहाँ पर फालतू की जगह पर फिर से स्टक हो चुका हूँ, हर बार ऐसा कैसे हो जाता भाई हमारे साथ? अरे थैंक यू, मैंने थैंक यू बोला था आपको। क्या तुम लोग कुछ हिडन डिटेल देखने को मिला? मुझे पता आपको नहीं मिला होगा तो मैं ही बता देता हूँ। तो कि तुम लोगों ने देखा होगा, आप लोग नीचे की ओर देखो, व्हाइट की ओर देखो, वहाँ पर कुछ था और ये पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं क्या उड़ रहा था तक मेरे ख्याल से। अभी क्या है आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, अब या क्या आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था अभी या फिर नहीं किया था, मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बता देना। तो कि तुम लोगों ने देखा होगा स्मार्ट भाई को सब होगा लाला मिले थे, मतलब कि जो भी दूसरे डायमेंशन वाले होगा लाला सब अंडर टाइम लोग आए थे सब मिले थे, तो क्या सभी होगा लाला रियल है? अब इस काफी सारे लोगों का कहना यह है कि ये रियल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम देखा होगा कि होगा लाल के ऊपर से कुछ पार्टिकल्स वगैरह निकल रहे थे, पर इसमें एक भी बंदे के ऊपर से कुछ भी निकल ही नहीं रहा था। देखो इसमें अपनी थ्योरी बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ये सारे ना फेक है। अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये फेक है, तुम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम लोगों को पता होगा जो रियल होगा लाल उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स वगैरह निकल रहे थे और उसका नेम टैग भी शो करते हैं, स्मार्टी भाई ने खुद हमें ये चीज बताया था, या फिर ये होगा लाल के क्लोन्स हो सकते हैं, क्योंकि होगा लाल क्लोन में जो नेम टैग वगैरह शो नहीं करता है, मे भी हो सकता है होगा लाला का क्लोन हो। और यही चीज को स्मार्टी भाई ने थंबनेल के अंदर भी लगाया हुआ है, देखा होगा थंबनेल में लगाया है कि उसके अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं होगा लाला जो थंबनेल वाला उसके अंदर, तो मे भी हो सकता है कि सभी चीजों को हिंट के हम देख कर बता सकते हैं कि जो है फेक हो सकता है, मतलब होगा लाला क्लोन वगैरह या फिर फेक होगा लाला हो सकते हैं, रियल नहीं हो सकता। तो कैसे तुम्हें पता होगा ये जो बंदा जो प्रोफेसर है वो तो पता ही होगा तुम्हें, टाइम मशीन खुद बनाता था। गया? देख सुन ले ये बात मेरी कि भाई हम लोग भाई ये यहाँ पे कबर बना रहा है, यहाँ पे क्या प्लीज पार्टी यहाँ पे आ जाओ। यार अपने भाई की कबर टाइम मशीन बनाने का काम भाई गॉड है, तू भाई काफी सारे इमोशनल बंदा यार, इसकी पीठ में देखो कितना खैर छोड़ इसकी पीठ को। अरे प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनो यार, इतना दुख मत बनाओ यार, पर मैं आपको एक बात बोलना, देखो भाई खड़ा खड़ा सामने देख रहा है यार, देखो प्रोफेसर मैं आपको बचाई की चीज बोलना चाहता हूँ कि आपका भाई बहुत ही ज्यादा बहादुर बंदा था, उसने बहुत ज्यादा फाइट बैक किया मेरी आंखों के सामने, वो बहुत ही ज्यादा बहादुर बंदा था, लाइक सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा भाई नुबड़ा रे भाई, स्टार्टिंग में तुम लोगों से क्लिप बताई थी
उस क्लिप में क्या नोटिस करने वाली बात। तो गाइस उसकी क्लिप को मैं फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ, तो इस क्लिप को एक बार तुम ध्यान से देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये नहीं चलता है तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। गया 5 मिनट में मैं क्या करने वाला, मैं इन पे नजर रखता हूँ, बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि ये लोग यहाँ से गायब ना हो। बस भाई इन लोगों का जो भी मंसूबा है ना पूरा का पूरा यहाँ पे। तो कैसे, अगर तुम अभी तक वीडियो को देख रहे हो और तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तुम लोगों ने कर दिया होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या चीज़ नोटिस करने वाली बात थी। तो कैसे तुम्हें पता होगा कि हुलारा जो है फ्यूचर देख सकता है। तो कैसे मेरे ख्याल से लगता है कि हुलारा जो है फ्यूचर देख कर यहाँ पर आया होगा। तो कैसे अगर तुमने देखा होगा कि उसने हाथ से मारा था। तो कैसे मुझे लगता है पूरा ये सभी चीज़ें ना जो हुलारा का प्लानिंग था स्मार्टी भाई को यहाँ पर ट्रैप करने का, क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो जो लाया यहाँ पर क्यों, और तुमने देखा होगा कि जो हुलारा जो है मतलब उसको ढकेल दिया। और तुम्हें पता होगा नीचे में जो भी बंदे थे शायद तक होगा लाला थे ही नहीं, मतलब कि होगा लाला नहीं है, फेक होगा लाला है। तो इस मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टी भाई को ट्रैप करने के लिए हुलारा ने सभी चीज़ें प्लानिंग बनाया था। तो इस ये तो थी मेरी थ्योरी, और आपकी क्या थ्योरी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना। तो वैसे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोग आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।